बात बाबा बागेश्वर की। आज उनका एक बड़ा बयान आया जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बाबा की जान को कोई खतरा है, क्या बाबा के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि संकेत आज खुद बाबा बागेश्वर ने दिया। रिपोर्ट देखिए आप। हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना। बाबा के खिलाफ कौन कर रहा है षड्यंत्र, किसके निशाने पर है बागेश्वर सरकार, बाबा बागेश्वर को आखिर किससे खतरा है, कौन है जो बाबा बागेश्वर के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हिंदुत्व पर सीना ठोक कर बयान देने वाले और सनातन के योद्धा बनकर बिना किसी भय के बाबा ने हर जगह हुंकार भरी है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया है। हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे विरोधी तो लगे, हमें ये भी पता है कि बोल्ड आउट होना, लेकिन एक धीरेन्द्र कृष्ण को अगर कोई मिटाएगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा था और यहाँ भी धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज के एकजुट होने और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, लेकिन बाबा का इशारा था कि उनके खिलाफ सियासी साजिश हो रही है, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीति पुरजोर होती है। विदेशी षड्यंत्रों से हमारे ही कुछ भाई भगवान को घर से बाहर निकाल रहे, पूजाओं पर रोक लगा रहे, और उसका परिणाम क्या हो रहा, वो हमारा अभिन्न अंग है आप सब। परिणाम ये हो रहा है कि विदेशी ताकतें, अन्य मजहब के लोग हमारी आपकी बहन बेटियों को हमारे आँखों के देखते, हम आज 80% 80% में कुछ नहीं कर पा रहे, सोचो जिस दिन 40-50 बचोगे क्या हाल होगा। कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री एकांतवास से निकले हैं और उसी दौरान बागेश्वर धाम में हड़कंप मच गया जब रज्जन खान नाम का आरोपी अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। रज्जन के पास से एक कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी रज्जन खान किसी खास मकसद से बागेश्वर धाम पहुंचा था और वहां परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था, लेकिन बाबा के भक्तों की नजर उस पर पड़ गई और उसे पकड़ लिया गया। लेकिन उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके पास पिस्तौल होगी। शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, पर धर्म शास्त्र को बचाने के लिए शास्त्र का एक डंडा बाहर निकाल लो सो शस्त्र बन जाता है, हाथ में शस्त्र की भी आवश्यकता है। इसलिए तुम जितने देवी देवता देखो सबके हाथ में कछु ना कछु है, इसलिए हमने हिंदुओं को बोला था एक हाथ में माला दूसरे में भाला। कई लोग कह रहे थे ये कंट्रोवर्सी वाला बयान है, हमने कहा भाई अब हमारे जब देवता ही लें, कौन तलवार लें, कौन त्रिशूल, शंकर जी त्रिशूल लें, भगवान विष्णु जी चक्र सुदर्शन लें, हमारे बजरंग बली मुगदर लें कि देश लाल पड़ जाए आदमी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि षड्यंत्र करने वाले सुनियोजित तरीके से सनातन समाज को निशाना बना रहे हैं। बाबा का साफ संदेश है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह से धर्म को बचाने की जरूरत है। बाबा के मुताबिक विदेशी ताकतें भी ऐसी साजिश करने में लगी हैं कि ये जहर फैलाया जा रहा है। विदेशी ताकतें प्रायोजित ढंग से जहर को फैला रहे हैं। हम एकता की बात क्यों कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले हैं और सनातन का झंडा लेकर पूरे देश में कथावाचन कर रहे हैं, उनके खिलाफ विरोधियों की बड़ी फौज भी तैयार हो गई है। इसी साल जनवरी महीने में बाबा बागेश्वर को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा कि उन्हें धमकियों से डर नहीं लगता। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया हुआ है और वो अपने दरबार से कट्टरपंथियों को चैलेंज भी करते रहे हैं। इस वजह से वो कई धर्म के ठेकेदारों के निशाने पर आ चुके हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो अंतिम सांस तक सनातन की पताका लहराते रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ विरोधियों की कितनी भी बड़ी फौज तैयार हो जाए, लेकिन वो डिगने वाले नहीं है। कभी इतना भक्त एक साथ बैठे देखो हो, झंडा गड़ गया भैया कि नहीं? हम जब वो ड्रोन वाला दिखाते हैं ना, कायो दिखावा जरा टीवी पर दिखाओ ना, हमारी वाली पर भी दिखाइएगा।
किसी ने पूछा मुझसे, बोले बागेश्वर धाम में और जहां भी खाटू श्याम जी का कीर्तन होता है वहां इतनी भीड़ क्यों आती है? मैं बोला बाकी जगह हिंदू आते हैं, अपने यहां कट्टर हिंदू आते हैं साहब। जो राम को लाए हैं, और आज आज मैं इसके अंदर कुछ जोड़ रहा हूं, वो सुनना ध्यान से। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूसीसी को लेकर पहली बार बाबा बागेश्वर का बयान आया है। बड़ी खबर है, एक देश एक कानून को लेकर बाबा बागेश्वर का रिएक्शन अभी अभी हमको मिला है। बड़ी खबर एक बार आपको सुना देते हैं, वो कह रहे हैं कि एक देश एक कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि देश मांगे एक देश एक संविधान एक कानून की आज जरूरत है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाबा बागेश्वर ने ये बयान दिया है, कहा है कि भारत को एक देश एक संविधान और एक कानून की जरूरत है। एक बार सुना दीजिए। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट फूट जो है वो फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान एक कानून होना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी कुछ लोग एक देखो एकता से दिक्कत होगी।